पवन सिंह हम अपना दिल से भाई मानते हैं, और अगर अपनी बहन को मदद करना चाहते हैं तो अपनी बहन को इंसाफ दिलवाएं। पवन भैया इंसाफ मिलेगा हमारी बहन को। औरंगाबाद में श्रेया हत्याकांड पर श्रेया की मां ने सामने आकर अपनी राय दी है, जहां वो इस उम्मीद में है कि उनकी बेटी को जल्द से जल्द न्याय मिले। उसके लिए जो मुमकिन होगा वो करेंगी। सरकार और प्रशासन से उन्हें कोई उम्मीद नहीं है। उनका मानना है, अगर प्रशासन सब कुछ तेज रहता तो हम सोचे थे कि रात में ही हम कंप्लेन किए और मेरा काम शुरू हो गया है। मुझे पता चला कि दूसरे दिन काम शुरू हुआ है। अगर उस दिन रात में ही पुलिस अगर शुरू कर देती तो मेरी बेटी बच जाती। वहीं श्रेया की मां को उम्मीद है कि पवन सिंह उनके साथ खड़े हैं और ऐसे में वो श्रेया को न्याय दिलाएंगे। इसके अलावा श्रेया के दोस्तों और परिवार का भी यही मानना है कि पवन सिंह के रहते हुए उन्हें जल्द न्याय मिलेगा। हालांकि काराकाट में लड़कियां अभी डरी हुई हैं, उन्हें अब कोचिंग जाने से डर लगता है कि कहीं उनके साथ भी कुछ ऐसा ही ना हो जाए। हर कोई दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग कर रहा है। वहीं बीते बुधवार को जब पवन सिंह श्रेया के घर पहुंचे, उनके परिवार से मिले, तो वहां उन्होंने संवेदना दी थी कि वो जल्द ही श्रेया को न्याय दिलवाएंगे। हालांकि प्रशासन ने जिस तरह हफ्ते भर का टाइम मांगा है, उसे देखने के बाद ही एक्शन लिया जाएगा। मतलब साफ है कि अगर प्रशासन नाकामयाब रही तो पवन सिंह और उनकी टीम श्रेया के परिवार के साथ इस लड़ाई को लड़ेगी। हालांकि पवन सिंह ने ये तक भी कह दिया था, 4 दिन में अगर कुछ आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं इस मामले को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के पास लेके जाऊंगा। यानी कि वो इस मुद्दे पर उनसे चर्चा करेंगे ताकि श्रेया के इस केस में वो उन्हें जल्द से जल्द न्याय दिलवा सके। वहीं काराकाट के निवासियों का कहना है कि हार कर भी पवन सिंह हमारे दिल में अपनी जीत हासिल कर चुके हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहां पर शासन किसका हो, लेकिन पवन सिंह के रहते हुए उन्हें न्याय जरूर मिलेगा। तो क्या कहना है आपका? क्या पवन सिंह जिस तरह से पिलर बनकर पूरे परिवार के साथ खड़े हैं, क्या वो श्रेया को न्याय दिलवा पाएंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। पूर्वांचल लाइव की ऐसी ही लेटेस्ट और चटपटी अपडेट्स और गॉसिप के लिए बने रहिए अपने फेवरेट चैनल पूर्वांचल लाइव के साथ।